बोला जाएगा। और ये एक मीडिया वाले भी पहले बात सुन ले, ये जो बोला जाता है वही लिखे खास करके लगाने की कोशिश की तो बहुत काम खराब हो जाएगा। यह देखे और नंदा सुन पहले हमें शुरू करने से पहले मीडिया को ये बता दो, मीडिया को सिर्फ उतनी आजादी है जितनी आज कल 19 मीडिया में जितनी दी गई है उतनी ही आजादी मीडिया को है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई वोट नहीं दिया मीडिया के लिए कि मीडिया को आजादी है कुछ भी लिखेगी और सीआईडी को आजादी है कुछ भी लिखेगी। अब हमारा मकसद क्या है यहाँ जमा होने का? आपने देखा जब से बीजेपी की हुकूमत बनी कहीं मुसलमानों को गाय के नाम पे जमा किया जा रहा है, कहीं मुसलमानों का नाम जहाँ के एक आर्डर के तहत जमा किया जा रहा है, कहीं मुसलमानों की घर वापसी कराई जा रही है। तो बताइए जो शुरू से दुनिया में पहला इंसान आदम है, आदम की क्या कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। दुनिया का सबसे पहला इंसान जो हमारे नबी हमारा बाप होगा तो हमें घर में रहकर पढ़ने की क्या जरूरत? अरे हम तो है ही घर में, घर में वापस उनको आना है जो अभी फुतून के पीछे जा रहे हैं। सब मानते हैं जिससे हमें कलमा तौहीद पहले मिल चुका है। मतलब की बात यह है, आपने देखा कि उधमपुर के अंदर आरएसएस के दहशतगर्दों ने यहाँ पे आईएसआई को अगर हम दहशतगर्द कहते हैं, हम दिल से कहते हैं, अगर आईएसआईएस मजारों को तहस-नहस कर रही है, औलिया अल्लाह के मजार को उड़ा रही है, अहले बैत के मजार की बेइज्जती कर रही है, उन पर हम दहशतगर्द कहते हैं, तो कश्मीर के अंदर जिन मुसलमानों को मारा जा रहा है वो दहशतगर्द है, आरएसएस में दहशतगर्द है। और उसके बाद शिवसेना ने जो पेट्रोल के बम बनाकर उधमपुर में हमारे दो भाइयों को, एक भाई को शहीद किया और एक अब भी सफदरजंग अस्पताल के अंदर जिंदगी और मौत के संघर्ष में मुब्तला है, तो हम उस भाई को खराज अकीदत पेश करने के लिए जमा हुए कि जिस तरीके से आरएसएस के शिवसेना के उन दहशतगर्दों ने हमारे भाई को उधमपुर में जिंदा जलाया है, उन लोगों को भी ऐसे फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए। और उसके बाद अगर किसी को ये गलतफहमी है कि हिंदुस्तान पे हमारा हक है तो तारीख हिंदुस्तान खोल के देखिए जरा, पता चलेगा कि हिंदुस्तान पे किसने हुकूमत की है। हिंदुस्तान पर जब मुसलमानों का राज था तो कोई ये कह नहीं सकता कि किसी मुसलमान ने किसी दूसरे मजहब वाले के साथ नाइंसाफी की। लेकिन आज क्या होता है, अगर तुम याकूब मेमन को फांसी दे सकते हो तो क्या गुजरात के कातिल के लिए फांसी नहीं होती? अगर तुम अफजल गुरु का फांसी दे सकते हो तो क्या जिन्होंने मुजफ्फरनगर में दंगे करके, जिन्होंने मुंबई के अंदर दंगे करके, जिन्होंने मक्का मस्जिद में ब्लास्ट किया, क्या उनको फांसी नहीं हो सकती? ये दौरा सितंबर आखिर तक यहाँ पे कोई भी मानवीय वो सुकून से नहीं रह पाती है। हमें किसी की बात सुन किसी को अपने लीडर नहीं बनना है, हम सिर्फ अपने वो जज्बात बता रहे हैं आपको जो सिखों के साथ अभी हुआ। क्या हुआ ये? उनके मुकद्दस किताब ग्रंथ साहब को पंजाब के अंदर सड़कों पे फेंका गया, वो किसने फेंका? वो मंदिरों के अंदर गाय का गोश्त भूखे पहन के कौन ले गया? कोई मुसलमान किसी भी धर्म की किताब को उसके साथ बदतमीजी नहीं कर सकता है, हमारा ईमान है और यही इस्लाम है। लेकिन अगर आप हम खामोश रहेंगे, आप देखते हैं आए दिन पूंछ बंद होता है, आए दिन यहाँ पे कुछ गुंडे जो आरएसएस तक बीजेपी ने पाल के रखे हैं उनको आए दिन वो पूंछ में ड्रामा करते हैं, कभी वो बॉर्डर खोलने की बात करते हैं कि हमें पाकिस्तान भेज दो हम उनसे निपट लेंगे, कभी किसी मुसलमान ने पिछले 8 साल से यहाँ पे अपना भी नहीं लगाया है। लेकिन आज अगर हम घर से निकले हैं तो हर बंदा ये समझे कि जिस बंदे को जिंदा जलाया गया वो भी किसी का बेटा था, उसकी भी मस्ती वो भी जब उसके घर में कि मेरा बेटा वापस आएगा, तो पता चला कि दहशतगर्द मुसलमानों को कहने वाले आरएसएस को भी दहशतगर्द। अगर मुंबई में ब्लास्ट करने वाला याकूब मेमन दहशतगर्द हो सकता है तो अजमेर में ब्लास्ट करने वाले शिव सैनिक क्यों नहीं दहशतगर्द? मस्जिद में ब्लास्ट करने वाले क्यों नहीं दहशतगर्द हो सकते? बाबरी मस्जिद पर शहीद क्यों नहीं दहशतगर्द?
इसलिए हम इस आज के इस एहतजाज की रूह से एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचा देना चाहते हैं कि जिस तरीके से उधमपुर के अंदर हमारे भाई को जिंदा जलाया गया, हमारी ये मांग है कि उनके कातिल जितने भी हैं उनको फांसी पर लटकाया जाए, क्योंकि कत्ल का बदला कत्ल, बिल्कुल कत्ल का बदला कत्ल। अगर सुनिए अगर गाय के बदले एक इंसान को मार जा सकता है तो इंसान के बदले इंसान को क्यों? मुसलमानों का कत्ल इसी पर इत्तेफाक नहीं हुआ। इंजीनियर रशीद अगर प्रवीण तुगड़िया बकवास कर सकता है, अगर योगी आदित्यनाथ एमपी की कुर्सी संभालने के बाद बकवास कर सकता है तो क्या इंजीनियर रशीद? इंजीनियर रशीद के ऊपर दिल्ली के अंदर क्या किया गया? हम इंजीनियर रशीद के साथ हैं। इंजीनियर रशीद हमारा है, हम उसके हैं। और जो बोला गया है वही लिखा है। जो जिस मर्जी मजहब से ताल्लुक रखता हो उसे अपनी ड्यूटी निभानी है, उसे आरएसएस का टट्टू नहीं बनना है। जो बोला गया है और मीडिया का दौर है, हमारी रिकॉर्डिंग मौजूद है और उसके बाद अब यहाँ पे हमारा मकसद ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन वो हुकूमत के ऊपर ये दबाव डाले कि हर तरफ से ये एहतजाज किया गया है। इसी तरह से उनसे भी ये एहतजाज हमने किया, पूरा मन रहा, यही पे इंशाल्लाह खत्म करेंगे कि उन कातिलों को जल्द अज जल्द कश्मीर आगे बढ़ो। जनाब डी साहब को और मोहतरम यहाँ के एजुकेशन अफसर हमारे